हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर केमिस्ट्री में। तो दोस्तों, अभी हम जो हमारा सीजन चल रहा है वो चल रहा है नेमिंग रिएक्शन का। तो अभी इस सीजन में हम केवल इम्पोर्टेंट नेमिंग रिएक्शन के बारे में ही जानेंगे। तो मैंने आपको अपने पिछले टॉपिक में बताया था कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो के बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी एक रिडक्शन मतलब संघनन होता है, एल्डोल संघनन या फिर एल्डोल कंडेंसेशन। इसी टॉपिक पे आज हम पूरा अपना बात करेंगे और क्लियर आपको करेंगे कि इसका रिएक्शन कैसे कैसे होता है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करे हुए अपने आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन, इसमें हम बात करेंगे कि एल्डोल कंडेंसेशन होता क्या है, फिर बात करते हैं कि जनरली कितने मेथड का ये होता है और फिर कि इसमें ये रिएक्शन कैसा होता है एल्डिहाइड में कीटोन में। तो एक जनरल वे में जानते हैं कि व्हाट इज एल्डोल कंडेंसेशन। तो इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होता है कि वी हैव द टू यूनिट ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। तो दोनों यूनिट जो हमारे हो गए किसके, एल्डिहाइड के कीटोन को, आर कंबाइंड एंड गिव अस आ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड और डाइल्यूट बेस। ठीक, मतलब क्या हुआ कि एल्डिहाइड कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है, इसमें हमारे पास दो यूनिट होते हैं, टू मॉलिक्यूल होते हैं एल्डिहाइड के और कीटोन के अलग अलग, मतलब दो एल्डिहाइड होंगे एक रिएक्शन या फिर अगले रिएक्शन में हम दो कीटोन ले सकते हैं। ये दोनों के जो मॉलिक्यूल्स होंगे आपस में किसी डाइल्यूट एसिड और बेस के प्रेजेंस में आपस में कंबाइन होकर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाएंगे या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाएंगे। तो जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है इसे बोलते हैं एल्डोल, और जो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन होता है उसे बोलते हैं जनरल वे में कीटोल। तो इसमें एक टर्म आ रहा है कि व्हाट इज, मतलब व्हाट इज अपना बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी होता क्या है। तो बीटा हाइड्रोक्सी, अगर आप अल्फा कार्बन जानते हो तो ये भी समझ जाओगे। अल्फा कार्बन में क्या बताया था अपने पिछले टॉपिक में कि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप होगा एल्डिहाइड का कीटोन का क्या होगा, कार्बोनिल ग्रुप होगा। तो कार्बोनिल ग्रुप से हमारा जो कार्बन पहले ऐड होता है इसे हम क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन, या भी सवाल बना देना समझने के लिए अल्फा कार्बन। तो अब इस अल्फा कार्बन से जो हमारा हाइड्रोजन एटम ऐड होता था इसे हम क्या कहते थे, अल्फा हाइड्रोजन। तो ठीक इसी तरह हमारे पास जो अल्फा कार्बन होता है, जो पहला कार्बन होता है अल्फा कार्बन, और इसके बाद वाला जो कार्बन होता है उसे कहते हैं बीटा कार्बन। मतलब अगर ये हमारा कार्बन जो हमारा ग्रुप है कार्बोनिल उससे डायरेक्ट अटैच्ड है तो ये होगा अल्फा कार्बन, और इस कार्बन के बाद जो कार्बन आएगा वो होगा हमारा बीटा कार्बन। तो अब अगर हमारी बीटा कार्बन से कोई OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड है तो इसे हम क्या कहेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। समझे बीटा हाइड्रोक्सी मतलब। अब बात करते हैं कि ये जनरली कितने मेथड के होते हैं। तो होते हैं जनरली दो ही, जैसे कैनिजारो अपना था, एक होता है सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन और दूसरा होता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो सेल्फ में क्या होता है, अपना कोई एक एल्डिहाइड लेता है या फिर एक कीटोन लेकर डायरेक्ट उसे रिएक्ट कराते हैं डाइल्यूट किसी एसिड और बेस से। तो ये तो इजी रहता है, इसमें हमारा आयंस बना लेते हैं, फिर उसमें हम क्या करते हैं अपना जो हमारा H2O होता है निकाल देते हैं, उसमें अल्फा बीटा करके अपना आ जाता है हमारा कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाता है। लेकिन फंसता बात यह है कि जब हमारा क्रॉस कराते हैं हम, ठीक है, जब क्रॉस कराते हैं तो उसमें हम दो एल्डिहाइड लेते हैं या फिर दो अलग अलग, मतलब सिमिलर भी ले सकते हैं लेकिन अलग अलग, एक रहेगा फिर एड रहेगा फिर दूसरा कंपाउंड। तो इस तरीके से होता है और उसे रिएक्ट कराते हैं एसिड और बेस से डाइल्यूट। ठीक,
देखते हैं उसको हम एग्जांपल के थ्रू कि क्रॉस जो एल्डोल कंडेंसेशन हमारा होता है वो किस तरीके से होता है। तो हमारा जो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होगा उसके लिए मान लीजिए एग्जांपल में हमने ले लिया कोई कंपाउंड एल्डिहाइड ले लिया कोई क्या CH3 C डबल बॉन्ड OH हाइड्रोजन, ये क्या हो गया हमारा, ये है एसिटल्डिहाइड। ठीक, कंपाउंड क्या है एसिटल्डिहाइड। और फिर यही एक और इसका ले लेते हैं सिंगल एसिटल्डिहाइड CH3 C हाइड्रोजन हो गया और इससे क्या होगा डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन। ठीक, और फिर कराते क्या है इसको डाइल्यूट, क्या ले लेते हैं इसमें हम कोई बेस ले ले रहे हैं वही NaOH डाइल्यूट। NaOH से जब ये रिएक्ट करेगा तो पहले एक इसको समझने के लिए कुछ इसमें ट्रिकबाजी लगाते हैं, कुछ दिमाग लगाते हैं अपना समझने के लिए कि मान लीजिए ये दो पेशेंट थे, ये दो भाई हैं, इनको कुछ बीमारी हुआ, ये गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने इन्हें वैक्सीन के रूप में दवाई के रूप में NaOH पिला दिया। अब NaOH जब इन्होंने पिया तो वो इनको सूट नहीं हुआ, अभी NaOH का हो गया इनके ऊपर साइड इफेक्ट। अब साइड इफेक्ट जब हुआ तो हमारा ये दोनों एक दूसरे को काटने लगे, अटैक करने लगे, मारने लगे। तो जब अटैक ये करने लगे तो अटैक कैसे करेगा आदमी, काटेगा किस तरीके से काटेगा, ये जो हमारा है इसका यही जो मेन ग्रुप है फंक्शनल, इस वाले का ये ग्रुप है हमारा, तो ये हमारा जो है जो मेन ग्रुप है इसको समझ लीजिए माउथ, मुंह है हमारा, इससे काटेगा आदमी। और ये जो है हमारा ये है उसका अगर बॉडी हाथ या पैर, तब ये अटैक किस तरीके से करेगा, ये वाला जो हमारा होगा मुंह, ये वाले कंपाउंड ये है ये इसको काटेगा और इस वाले से ये इसको काटेगा, अटैक करेगा। ठीक, तो जब ये इसको काटेगा, ये इसको काटेगा तो करेगा क्या, जो यहां के हमारे हाइड्रोजन थे अल्फा हाइड्रोजन जो था जब ये इसके ऊपर अटैक कर रहा है तो ये हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन को देगा क्या, अल्फा वाला हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन को देगा और वही वाला सेम केस क्या करेगा ये इस पे करेगा। ठीक, ये वाला अपना क्या करेगा, ये समझो कि ये मतलब ये लाके ये वाला जो है अल्फा हाइड्रोजन दिया। ठीक, तब अल्फा हाइड्रोजन इसको अपना हाइड्रोजन दिया, ये ब्रेक हुआ बॉन्ड, दोनों जो पाई बॉन्ड्स थे, तो होगा क्या हमारा ये बनेगा कुछ ऐसा नया कंपाउंड क्या बन जाएगा, ये तो होगा हमारा CH3 और क्या बन रहा है कार्बन होगा, ये दिया था जो हाइड्रोजन हमारा हो गया, सिंगल बॉन्ड बचेगा क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हुआ, और यहाँ क्या होगा इसका CH2 और CHO ये हमारा आएगा प्रोडक्ट। ठीक, अब इसमें बात करते हैं इसका नाम क्या होगा, तो नाम क्या होगा इसमें कितने कार्बन है, यहां से स्टार्ट करते हैं तो ये तीन वाला और ये चार, तो ये वो तीन वाले पे हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका 3-hydroxy और कितने इसमें कार्बन है, चार मतलब ब्यूटेन, और क्या लगेगा इसमें मास जो होगा अल, ब्यूटेनल, 3-hydroxy ब्यूटेनल ये इसका कंपाउंड का नाम है। और यही जो हमारा है यही होगा हमारा एल्डोल, क्या होगा एल्डोल, एल्डोल क्यों होगा क्योंकि देखो इसमें दो नाम है एल्डोल, क्या क्या, एक है एल मतलब और एक है ऑल, तो ये जो एल डी क्या दर्शाता है हमारा ALD ये दर्शाता है हमारा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड दर्शा रहा है और ऑल जो हमारा है ये दर्शाएगा ये हाइड्रोक्सिल समूह ग्रुप OH को आल दर्शाता है एल्डिहाइड को ALD, तो इसी नाम से इसको एल्डोल कहते हैं, समझ गए, यही था हमारा क्रॉस क्या है
ये जो हमारा है ये है क्रॉस एल्डिहाइड सॉरी एल्डॉल कंडेंसेशन, यही जो है ये क्रॉस वाला है क्योंकि इसमें दो एल्डिहाइड को लेकर NaOH से रिएक्ट कराया गया। ये जो हमारा एल्डॉल कंडेंसेशन था ये बहुत ही छोटा था, बहुत इजी वे क्योंकि इसमें डायरेक्टली हो जाएगा ऐसे। ठीक, तो एल्डॉल कंडेंसेशन आपको समझ में आ गया होगा, समझ गए होगे कि क्या क्या कैसे उसमें होता है, बेस क्या लेते हैं, बेस के हिसाब से उसमें कैसा टूटता है। टूटने का यही तरीका होता है एल्डॉल कंडेंसेशन वाले में कि दो एल्डिहाइड है उनका जो मेन ग्रुप होगा वो दूसरे वाले के अगर पे अटैक करेगा और इस वाले का मेन ग्रुप दूसरे वाले के अगर पे अटैक करके अपना अल्फा हाइड्रोजन को ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो हमारा एल्डॉल कंडेंसेशन जो टॉपिक था यहीं पे समाप्त होता है, समाप्त नहीं होता मतलब खत्म नहीं होता है, तो बहुत इसमें, लेकिन ये जो समझाने का तरीका था आज इसको यहीं पे खत्म करते हैं। अपने मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक जबरदस्त नेमिंग रिएक्शन के साथ, क्योंकि फिर से बता दूं कि हमारा सीजन जो है नेमिंग रिएक्शंस के चल रहे हैं, तो इसमें आप सिर्फ नेमिंग रिएक्शंस पढ़ोगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं IIT में पूछे जाते हैं, नीट में भी पूछे जाते हैं और अदर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आपके सिलेबस में रहेगा तब तो वो पूछे ही जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो तो लाइक कर देना और वीडियो को पूरा देखना, जिससे कि अगर आप इसमें एक भी टॉपिक को स्किप करते हो तो फिर समझ में नहीं आएगा। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आल बटन को प्रेस कर देना। तो चलिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।